दैनिक सवेरा अंधेरे से उजाले की ओर। गुरुनगरी अमृतसर में अकाल पुरख की फौज द्वारा दशम पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, माता गुजरी जी व चार साहिबजादों की शहादत के प्रति सिखों की युवा पीढ़ी को जागृत करने के लिए साडा विरसा साडा परिवार नामक कार्यक्रम 4SCC स्कूल अमृतसर में आयोजित किया गया, जिसमें गुरुनगरी के विभिन्न स्कूलों के 972 विद्यार्थियों ने दस्तार, दुमाला, कविता व स्लोगन मुकाबलों में भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों द्वारा अपने अपने अंदाज से कविताओं के तहत सिख इतिहास व चार साहिबजादों की शहादत के बारे में जानकारी दी गई। श्री अकाल पुरख की फौज संस्था के डायरेक्टर जसविंदर सिंह एडवोकेट ने साडा विरसा साडा परिवार प्रोग्राम के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि उनका मुख्य उद्देश्य सिख परिवारों को हमारे गुरु साहबान द्वारा दर्शाए मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना है। हमने अपनी गलवकड़ी एक मुहिम चला रखी है, जिसका मतलब ये है कि हम एक एक घर का दरवाजा जो है वो खटखटा के उन लोगों को जो धर्म से दूर हो गए, जो नशे में चले गए, उनको वापस लेके आ रहे हैं। और आज का प्रोग्राम का जो नाम है वो हम साडा विरसा साडा परिवार, हमारा विरसा हमारा परिवार है कि हमें जो हमारा विरसा था, जो गुरु नानक साहब ने जब बात शुरू की, जब इस धर्म की नींव रखी गई, तो गुरु गोबिंद सिंह पातशाह तक, उनसे बाद तक जो अपनी शहीदी अपना बलिदान देके गुरु साहब के बच्चों ने अब चमकौर की गड़ी में, सरहंद की दीवार में जो अपना खून दिया, उस खून से ये सिक्खी का महल जो है वो बना था। और आज हमारे परिवारों में उस बात को एक उसकी याद जो है धुंधली हो गई।